देखिए, जहाँ तक सीबीआई है और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा जीते। हो सकता है सीबीआई इस कोशिश में हो या सरकार जो चलाती है सीबीआई वो कोशिश में हो। हमारे पास क्या है, हम गठबंधन कर सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं, और जिन्हें रोकना है उनके पास क्या है, उनके पास सीबीआई है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक बार सीबीआई कराई थी, तब भी पूछताछ हुई थी। अगर बीजेपी ने कराया है और इतने वर्षों पुराना मामला आया है सामने, अगर पूछताछ करेंगे तो जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा, जवाब तो हम देंगे ही। लेकिन देश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। निष्पक्षता के आकलन आप करिए सीबीआई का, ये निष्पक्षता हम नहीं आकलन कर सकते, उसका आकलन कौन करेगा, उसका आकलन आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए कहा था, अभी झगड़ा हुआ क्या था, अरे हम तो राजनीति में नए हैं अभी। चलो सीबीआई का एक बार फिर स्वागत, सीबीआई से मिलने का मौका मिलेगा और अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम बीजेपी ने अपना रंग दिखा दिया, एक बार फिर सीबीआई से मिलने का मौका मिलेगा। पहले कांग्रेस ने सीबीआई से मिलने का मौका दिया था, इस बार बीजेपी के लोग मिलने का मौका दे रहे हैं। देखिए, अगर कहते हैं छापामारी क्यों, पूछ लो जो करना है पूछने की, लेकिन याद रहे बीजेपी के लोग भी जो संस्कृति छोड़ करके जा रहे हो, उस संस्कृति का आपको भी सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिटिकली फायदा होगा और कहीं नहीं, हम ये देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि पॉलिटिकल फायदा मिलेगा नुकसान होगा। 100 दिन की बात है, 100 दिन में जनता में जाना है। सीबीआई थोड़ी चुनाव जिताती है, सीबीआई तो हमसे पूछताछ करेगी, जो जवाब देना हो हम देंगे, डराती हो, लेकिन जनता तय करेगी। और जनता इस बात के लिए तैयार है कि वोट डालने का मौका मिल जाए, तब सबक बताएंगे कि बीजेपी आपने कितना धोखा दिया जनता को। अभी क्या लगता है, जैसे जैसे ये वक्त बढ़ेगा और ज्यादा सीबीआई का प्रयोग करेंगे डराने में ये? हाँ, तो अच्छी बात है ना, समय हमारा सीबीआई से भी गुजरेगा थोड़ा बहुत।